उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर तथा खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव संपन्न हुए। कल शाम 5 बजे तक मैनपुरी लोकसभा चुनाव मैनपुरी में 54.50%, खतौली में 54.50% और रामपुर में 31.22% मतदान हुआ। इस उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई दिखाई दी, जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों सहित कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। दूसरी ओर भोगांव विधानसभा के बूथ संख्या 34 पर बैटरी चेंज करने के नाम पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया गया है। इस पूरे उपचुनाव पर आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की प्रतिक्रिया। देश की 3 सीटों पर उपचुनाव जारी है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। चुनाव हो रहा है, कैसे देखते हैं इस तरीके? ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है और माननीय मुलायम सिंह जी के लिए ये आशीर्वाद देने, जनता को आशीर्वाद देने का ये चुनाव है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सचिव हैं, हम उनसे जानेंगे। चुनाव कहाँ हो रहा है? विपक्ष के नेता लगातार चुनाव आयोग से 4 दिन से मिल रहे, कल रात में भी मिलने गए तो ताला बंद था, लेकिन कहाँ चुनाव लड़ रहा है? चुनाव तो सत्ता के लोग लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन लड़ रहा है। मौजूदा वहाँ जो मैनपुरी में सीओ तैनात हैं उनके, देखिए आपको जैसे जाहिर सी बात है, हमारा डेलीगेशन जो है बार बार जो है वहाँ पे जा रहा है, शिकायतें कर रहा है, मगर निर्वाचन आयोग भी इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। चुनाव क्या ये हो रहा है? चुनाव के नाम पर समझिए कि धांधली हो रही है। मैनपुरी का चुनाव, इस बार का चुनाव माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में होगा, और भले ही बीजेपी का शासन प्रशासन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन मैनपुरी की जनता ये चुनाव लड़ रही है। और ये सरकार की जो है कोशिश है कि विपक्ष के एक एक नेता को दबा दिया जाए। अभी तक जब तक दिखाया जा रहा था कि मतभेद है अखिलेश यादव जी में और शिवपाल यादव जी में, तब तक जो है वो उनके बहुत ही अच्छे सहयोगी या दोस्त के रूप में सरकार काम कर रही थी। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, पुलिस प्रशासन, अन्य प्रशासन और उनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से उस समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर सकता है। लखनऊ से एमके न्यूज के लिए अविनाश। देखिए मैनपुरी का जो चुनाव है, इस बार जनता का चुनाव है और जनता प्रताड़ित हो चुकी है, पूरे देश की आहत है, महंगाई भ्रष्टाचार से आहत है, और वो इस चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबी हार देने वाली है, और इनको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से सरकार का चुनाव है, सरकार करा रही, निर्वाचन आयोग इसमें कहीं नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग होता तो कार्रवाई करता। सीओ साहब जहां खड़े होकर के आधार कार्ड को अनवैलिड कर रहे हैं, पैन कार्ड को अनवैलिड घोषित कर रहे, जो सीओ, जो पुलिस अंदर नहीं जा सकती, पोलिंग के अंदर क्षेत्रीय पुलिस, वो जा करके कार्ड देख रही है, मतदाताओं को धमका रही है, लाठी डंडे चला रही, तो निर्वाचन आयोग को चुनाव है कहाँ?